रहेगी सर। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून बच्चे। चलो लास्ट लेक्चर में एक सेकंड रुक जाओ बस एक सेकंड। हेलो जय सर किनको पढ़ा रहे हैं आज गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून बच्चे। सर बच्चे सर आपको क्वेश्चन सेंड किया हूँ सर, उसका कौन सा ऑप्शन सही होगा? अभी देख ही रहा था, मुझे तो कोई ऑप्शन उसमें सही नहीं लग रहा था सर, उसी में मेरे भी कंफ्यूजन लग रहा है। क्या दिया भाई आंसर? आंसर में ना फिफ्थ वाला दिया है, पांचवा। एक रुको मैं देखता हूँ, लेकिन वो तो गलत है ना, भारत में जैव उर्वरक की कमी है करके दिया है। हाँ जैव उर्वरक इतने ज्यादा है इसलिए अवेलेबल नहीं होते, वही ऑप्शन होगा। तो देखो इसमें क्या है, कथन सही है पूछा है तो साइनोबैक्टीरिया स्वपोषी सूक्ष्म जीव है जो व्यापक रूप से जलीय और स्थलीय आवास में पाए जाते हैं, ये तो गलत है क्योंकि स्थलीय आवास रॉन्ग हो गया है ना, पहला स्टेटमेंट तो रॉन्ग है। दूसरा स्टेटमेंट देखो, एनाबिना नॉस्टॉक और ऑस्लेटोरिया प्रकाश संश्लेषी नाइट्रोजन स्थिरीकारी साइनोबैक्टीरिया है, ये तो सही है, सही है, ये सही है। सेकंड थर्ड है टोलिपोथ्रिक्स, लगभग 20% बढ़ा देते हैं, तो ऑलोसिला और टोलिपोथ्रिक्स हालांकि सही बात है, ये धान के उत्पादन को बढ़ाते हैं, अकेले टोलिपोथ्रिक्स के लिए तो सही नहीं है बट ऑलोसिला और टोलिपोथ्रिक्स के लिए सही है, तो मुझे लग रहा है ये स्टेटमेंट सही चला जाएगा, टू और थ्री सही हो जाएगा। फोर जो है बीजीए मृदा में कार्बनिक पदार्थों को बढ़ाकर, ये फोर्थ राउंड हो गया, कार्बनिक पदार्थ नहीं बढ़ाते नाइट्रोजन वगैरह को बढ़ाते हैं, और हमारे देश में जैव उर्वरक कृषकों के लिए बाजार में व्यापारिक स्तर पर उपलब्ध नहीं है। अच्छा ये नहीं है बोल रहे ना, तो ये गलत है, ये सही होगा, मतलब ये गलत है क्योंकि अब तो अवेलेबल होने लगे हैं, अब तो इनके स्पोर्ट्स वगैरह जो है वो भी मार्केट में अवेलेबल होते, बट हमारे देश में जैव उर्वरक इनमें बाजारों में व्यापारिक स्तर पर उपलब्ध नहीं है। हाँ ठीक है, फिर भी व्यापारिक स्तर पर कमी है ही इनकी, तो इसका आंसर जो है ना देखो फर्स्ट राउंड है और फोर्थ राउंड है, टू थ्री और फाइव सही है, टू थ्री और फाइव सर। हाँ सर फर्स्ट ऑप्शन क्या बोला, वापिस बोलिए तो एक बार। साइनोबैक्टीरिया स्वपोषी सूक्ष्म जीव है जो व्यापक रूप से जलीय और स्थलीय आवासों में पाए जाते हैं, ये तो गलत है, जलीय आवास में व्यापक रूप से होते हैं ये सही है, स्थलीय में ज्यादा नहीं होते सर, लेकिन होते तो है ना, कुछ कुछ बुक में लिखा हुआ ऐसा तो शायद, व्यापक व्यापक रूप से बोल रहे हैं ना इसलिए ये थोड़ा गलत लग, व्यापक मतलब सर वहाँ पर कहने का मतलब क्या हो रहा है, व्यापक का मतलब बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा सर, बहुत ज्यादा सर। बायोगैस के निर्माण के लिए वाटर हाइसिंथ का भी प्रयोग करते हैं, जो स्लरी बनाते हैं उनके अंदर काउ डंग के अलावा कुछ प्लांट्स वगैरह भी यूज कर सकते हैं, वीट वगैरह जो खरपतवार वगैरह होते हैं है ना, तो उसमें जलीय पादप वगैरह काफी यूज होते हैं, ये आइकोनिया वगैरह वीट है बहुत आसानी से मिलते हैं, उसको भी हम डाल सकते हैं, सेलुलोज ज्यादा होगा ना तो ज्यादा मीथेन बनेगा, तो वाटर हाइसिंथ बस लेते हैं बाकी नहीं लेते, अभी ले सकते हैं इवन जो भूसा वगैरह निकल रहा है खेतों में से या कुछ पादप के भाग निकल रहे हैं उनको भी डाल सकते हैं।
लेकिन आइकॉनियल कॉमन यूज होता है। थैंक यू सर। प्लावी का मतलब क्या होता है सर? किसका मतलब प्लावी? तैरना, ऊपर तैरना। हाँ। सर फ्लोटिंग का मतलब तैरना, तैरना। ओके थैंक यू सर। सर एजो स्पाइरिलम किस में आता है? फ्री लिविंग में कि सिंबायोटिक में? फ्री लिविंग बैक्टीरिया। आप तो स्लिप है ना, ये क्वेश्चन का बच्चे आंसर ना गलत दिया हुआ है इसमें, है ना। 81 जो तुमने पूछा था ना, इसमें तो ऑप्शन ही नहीं है सर। हां इसमें कोई आंसर परफेक्टली बैक्टीरिया है, मैं इसको छोड़ दूं। ओके थैंक यू। चलो अब इसके बाद में लास्ट लेक्चर में जो हम पढ़ रहे थे, ठीक है, लास्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ रहे थे जेनेटिक्स के अंदर कुछ टर्मिनोलॉजी जो है वो हमने पढ़ ली थी। मैंने तुमको कैरेक्टर और ट्रेट में डिफरेंस बता दिया था, फैक्टर क्या होता है वो बता दिया, है ना। नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी बता देते हैं। चलो देखो नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी, अब देखते हैं क्या होता है एलील। सर जी। हाँ हेलो सर। हाँ बच्चे। सर जी एक क्वेश्चन है इसी में से, जो क्या बोलते हैं पेनिसिलिन की जो प्रतिजैविक के रूप में खोज हुई तो नोबेल पुरस्कार मिला, तो इसमें क्या बोलते हैं किसको किसको मिला सर? तीनों वैज्ञानिक को मिला कि एक ही जाने को मिला? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग को ही मिला? तीनों को मिला था, फ्लेमिंग को और फ्लोरे और के। ओके थैंक यू सर। चलो एलील की यदि बात करें हम, तो एलील क्या होते हैं, कैसे डिफाइन कर सकते हो, बच्चा बताएगा। सर विभिन्न विभिन्न लक्षण के जीनों का युग्म। विभिन्न लक्षण के? हाँ मतलब उसका मतलब जीन ना, या एक ही लक्षण के लिए जिम्मेदार जीन। यूनिट ऑफ जीन्स। सर रिपीट कीजिए ना सर, सुनाई नहीं दे पा। एक ही लक्षणों के लिए जो विभिन्न उत्तरदायी जीन है, एक लक्षण के लिए जो विभिन्न ट्रेट है उनके लिए जो उत्तरदायी जीन है उसे हम एलील बोलते हैं। सर एलील फिर तो प्रभावी और अप्रभावी दोनों होगा। नहीं वो तो आगे की बात हो रही है, एलील क्या होगा पहले वो तो बता दे। सर अल्टरनेट फॉर्म्स ऑफ डिफरेंट फॉर्म ऑफ सेम जीन्स, दो क्रोमोसोम्स सेम लोकस पर है। देखो क्या होता है, समझना, डेफिनेशन नहीं पढ़ा रहा हूँ, सीधे कंसेप्ट पढ़ा रहा हूँ, ध्यान देना पता पड़ जाएगा। देखो जैसे एक एग्जांपल ले लेता हूँ मैं, ब्लड ग्रुप की। ब्लड ग्रुप एलील वर्ड जो आपको बेसन नहीं दिया था, ध्यान रखना। ब्लड ग्रुप की बात कर रहे, कौन सा एबीओ सिस्टम जो है उसकी बात कर रहे। अब एलील क्या हुआ कि मान लो कभी इवोल्यूशन हुआ और दुनिया में पहला एक ऑर्गेनिज्म बना जिसके अंदर ब्लड जो है उसको डिसाइड करने के लिए कुछ जीन बने। ये क्रोमोसोम था, इस क्रोमोसोम के ऊपर यहां पर कहीं पे एक जीन है, कहीं पे यहां पे एक जीन है। मैंने तो यहां पे शेड ऐसे बनाया तो बता दिया, वास्तव में क्या है, वास्तव में एक डीएनए है जिसके ऊपर सीक्वेंस है ए टी जी सी, ऐसा कुछ कुछ सीक्वेंस है। और वो सीक्वेंस की वजह से क्या हो रहा था, जो आरबीसी है उसकी सतह पर यहां पर कुछ पर्टिकुलर एंटीजन बन पा रहे थे, कुछ पर्टिकुलर एंटीजन बन पा रहे थे, है ना। तो इसीलिए हमने देखा कि ये पर्टिकुलर जीन है वो जो सबसे पहले बनी है और इससे आरबीसी के ऊपर एंटीजन बन रहा है, ब्लड ग्रुप बन रहा है। हमने बोला कि ये सपोज ये जीन जो इसका नाम रख दिया आई ए, आई ए जीन। हमने सबसे पहले आई ए जीन बना और आरबीसी के ऊपर कौन सा एंटीजन बन रहा है, ए एंटीजन बन रहा है। अब एक इंसान के अंदर ये बात करें तो
तो क्या इंसान के अंदर क्रोमोसोम जो होता है वो इस तरीके से होता है या पेयर में होता है, सिंगल होता है कि पेयर में होता है? पेयर में, पेयर। यानी हमारे अंदर जो क्रोमोसोम होगा वो एक और इसका पेयर होगा, यानी कि यहाँ पे छोटा सा बना ले रहा हूँ, ये देखो। और स्टार्टिंग में जो जीन है वो कुछ इस तरीके से है, मान लो आई ए आई ए। अब क्या हुआ, कभी म्यूटेशन हो गया, उत्परिवर्तन हो गया, उत्परिवर्तन के बहुत सारे कारण है तुम जानते हो, कभी क्या हुआ उत्परिवर्तन हो गया और उस परिवर्तन की वजह से ये जो डीएनए का सीक्वेंस था इस सीक्वेंसिंग में कुछ चेंज आ गया, यानी किसी दूसरे इंसान के अंदर हमने देखा कि यही जो क्रोमोसोम है उसमें थोड़ा सा चेंज आ गया। क्या चेंज आ गया कि अब की बार यहाँ पर जो ये सीक्वेंस था ये सीक्वेंस कुछ चेंज हो गया, ये सीक्वेंस जो है वो कुछ चेंज हो गया। अब चेंज हो गया तो क्या हुआ, इसका काम बदल गया, पहले ये जो एंटीजन बना रहा था अब उसकी जगह पे क्या हुआ कोई दूसरा एंटीजन बनाने लगा, मान लो बी एंटीजन बनाने लगा, बी एंटीजन बनाने लगा, ऐसा एंटीजन बनाने लगा, चेंज हो गया कुछ। तो क्या देख रहे हैं हम कि पॉपुलेशन में ब्लड ग्रुपिंग के लिए पहले एक जीन थी आई, अब ब्लड ग्रुपिंग के लिए दूसरी जीन आ गई, कौन सी, मान लो आई, कुछ ऐसा होगा। मान लो फिर से हमने देखा, हो सकता है कि इसके अंदर वापस से कोई म्यूटेशन हो जाए, कुछ परिवर्तन हो जाए और इसके अंदर कुछ चेंज हो जाए। मान लो फिर से कोई चेंज हुआ और अब की बार जीन में कुछ ऐसा चेंज हुआ कि वो मान लो एंटीजन बना ही होगा, यानी अब तीसरी एक कंडीशन आ गई कि यहाँ पर एंटीजन बनी गई, क्या बोलते हैं हम इसको, ओ बोलते हैं, ओ बोलते हैं, एंटीजन है ना। तो ये तीनों के तीनों क्रोमोसोम जो हैं वो अलग अलग हैं कि एक ही है, क्रोमोसोम नंबर 9 है सपोज, तो ये सारे क्रोमोसोम नंबर 9 है, यानी क्रोमोसोम नंबर 9 के ऊपर ब्लड ग्रुपिंग को डिटरमाइन करने के लिए जीन होती है। कहां पर होती है, पर्टिकुलर पोजीशन पर होती है, जिस पोजीशन पर होते हैं उस पोजीशन के हम लोकस वर्ड यूज करते हैं, लोकस वर्ड जो यूज करते हैं उसका मतलब क्या होता है, वो पर्टिकुलर प्लेस जहां पर जीन प्रेजेंट है। तो क्रोमोसोम नंबर 9 के ऊपर ब्लड ग्रुपिंग के लिए जीन प्रेजेंट थी, उस जीन को हम प्रेजेंट थी किसी पर्टिकुलर लोकस के ऊपर। अब हमने क्या देखा कि अलग अलग इंसानों में उन्हीं क्रोमोसोम उसी कैरेक्टर के, कौन सा कैरेक्टर है हमें ब्लड ग्रुप, उसके लिए जीन में कुछ कुछ डिफरेंस दिखा, अलग अलग टाइप के जीन में दिख रहे हैं। तो वो जो अलग अलग टाइप के जीन है ना उन्हें बोलते हैं एलील, यानी यहाँ पर एलील क्या है, एलील है आई ए आई बी एंड स्मॉल, ये तीनों क्या है, ये तीनों है एलील और ब्लड ग्रुप। सर ऑल्टरनेट फॉर्म ऑफ जीन्स, यस, क्या देख रहे हो तुम, एक ही कैरेक्टर की बात कर रहे हैं, एक ही ब्लड ग्रुप। तो ब्लड ग्रुपिंग के लिए हमने देखा कि देयर आर डिफरेंट फॉर्म ऑफ जीन्स और ऑन द सेम क्रोमोसोम सेम लोकस, लेकिन क्या एक ही आदमी के अंदर क्या अलग अलग आदमियों के अंदर अलग अलग डिफरेंट, क्योंकि एक आदमी की बात करें तो हमारे अंदर तो पेयर में होता है, पेयर में वो जीन दोनों क्रोमोसोम पे सेम हो सकती है अलग हो सकती है, एक आदमी की बात करें तो दो ही ऑप्शन होंगे ना, दो ही क्रोमोसोम है, एक के ऊपर या तो दोनों एक जैसे हो या अलग अलग, यस सर। लेकिन जब हम पॉपुलेशन में देख रहे हैं तो हम क्या देख रहे हैं कि बहुत सारे अलग अलग टाइप के लोग हैं, उनके अंदर उस जीन के अंदर डिफरेंसेस आ सकते हैं। तो ऐसे जितने भी ऑल्टरनेट ऑप्शन होंगे, इट इज नॉट ऑलवेज कि दो ही ऑप्शन होंगे, जितने भी ऑप्शन होंगे उन सबको हम क्या बोलेंगे, उन सबको हम एलील बोलेंगे, एलील फॉर द पर्टिकुलर कैरेक्टर। क्या बात सुन रहा है क्या, यानी एक इंसान के अंदर मैक्सिमम कितने एलील प्रेजेंट हो सकते हैं, कितने मैक्सिमम डिफरेंट एलील एक इंसान के अंदर, टू, दो ही हो सकते हैं, या तो आई ए आई ए हो, आई ए आई बी हो,
आई स्मॉल आई हो, लेकिन होगा क्या, मैक्सिमम दो ही डिफरेंट पॉसिबिलिटी होगी, दो ही डिफरेंट टाइप के एनिमल प्रेजेंट होंगे। बट पॉपुलेशन में जब हम देखते हैं तो कई बार हमें दो से ज्यादा डिफरेंट टाइप के एलील्स भी देखने को मिलते हैं। ये जो मैंने एग्जांपल लिया, ये मैं मल्टीपल एलील्सम का एग्जांपल लिया, मैंने मेंडेलियन एक्सपेरिमेंट का एग्जांपल ना लेकर के ह्यूमन ब्लड ग्रुप का एग्जांपल इसीलिए लिया क्योंकि एलील को समझने के लिए हमें एक ऐसा एग्जांपल लेना चाहिए जहां पे ऑप्शंस ज्यादा हो, तो हमारे दिमाग में क्लियर हो जाएगी कि हम एक ही आदमी की बात नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं किसी पॉपुलेशन की। पॉपुलेशन क्या होता है, व्हाट इज पॉपुलेशन? ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म, ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म लिविंग इन अ पर्टिकुलर एरिया, लिविंग इन अ पर्टिकुलर एरिया, कैन बी इंटरैक्ट एट ए पर्टिकुलर टाइम, दैट बिलोंग्स टू अ पर्टिकुलर स्पीसीज। एक ही स्पीसीज के मतलब, एक एरिया में तो कुत्ता भी रह रहा है, बिल्ली भी रह रही है, इंसान भी रह रहा है, तो उनके अंदर जीन को का एलील का वो नहीं करेंगे हम एक ही पॉपुलेशन की बात करेंगे। तो एक ही पॉपुलेशन के अंदर किसी पर्टिकुलर क्रोमोसोम या की पर्टिकुलर लोकस पे जो किसी कैरेक्टर के लिए जीन की डिफरेंट फॉर्म्स प्रेजेंट होती है उसे ही हम क्या बोलते हैं, एलील बोलते हैं। क्या बात क्लियर हो गई, समझ गए क्या? यस सर। नो सर, यस बताइए एक बार और बताओ ना हिंदी में। हां सर, जैसे हमने देखा कि सपोज इस दुनिया में सबसे पहले मटर के प्लांट उगने स्टार्ट हुए, तो मान लो मटर के प्लांट जो है दुनिया में सबसे पहले मान लो बड़े बड़े हुए, टॉल होते थे, क्यों? क्योंकि उनपे हाइट के एक जीन था कैपिटल, किसी वजह से म्यूटेशन हुआ और म्यूटेशन में जीन ऐसे चेंज हुआ कि वो प्लांट की ग्रोथ ज्यादा नहीं होने दे रहा है, हाइट ज्यादा नहीं बढ़ने दे रहा है, नहीं बढ़ने दे रहा है, तो क्या हो जाएगा, जीन के अंदर चेंज होगा, उस नई जीन का नाम होता है हमने स्मॉल जीन। प्लांट की हाइट को प्लांट की हाइट वाले कैरेक्टर को कंट्रोल करने के लिए जो जीन थी, उस जीन के कितने अल्टरनेट फॉर्म यहां पर दिख रहे हैं हमको पी प्लांट में पॉपुलेशन में, दो, तो उसे ही हम क्या बोलेंगे, उसे ही हम बोलेंगे एलील। समझ गए, एक लक्षण को नियंत्रित करने के लिए जितने डिफरेंट टाइप के जीन उसी लोकस पर प्रेजेंट होते हैं उसे हम एलील बोल देते हैं। क्लियर हो गई बात? यस सर। ठीक है, अब मैं ऐसा इतना स्पेसिफिक होकर के क्यों बोल रहा हूँ, मैं इतना स्पेसिफिक होकर के इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि तुमने अपने जीवन में ह्यूमन के अंदर स्किन कलर की इनहेरिटेंस भी पढ़ी होगी, जो कि एग्जांपल है किसका, बहुजीन वंशागति पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। यस सर, यस सर। तो यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि ह्यूमन के अंदर कुछ इस टाइप से जीन होती है ए बी सी स्मॉल बी कैपिटल सी स्मॉल सी, ऐसे सब होते हैं, सबके सब सेम ही काम कर रहे हैं, मेलानिन बनाने का काम कर रहे हैं, कोई ज्यादा कोई कम, एक बना रहे एक नहीं बना रहे। अब मैंने बोला बताओ ए और बी ये एलील है कि नहीं है, बताओ, एक लक्षण को कंट्रोल कर रहा है स्किन कलर, ए भी कंट्रोल कर रहा है, बी भी कर रहा है, सी भी कर रहा है, तो ए बी और सी आपस में एलील है कि नहीं है, है बोलोगे है कि नहीं, सर टुगेदर ए बी सी आर एलील, सर नो सर एलील है, उनका जवाब सरासर गलत है, अगर वो स्मॉल ए होता तो ए और स्मॉल ए कैपिटल ए स्मॉल ए। अभी कलाइको अभी खुद तुमने बोला कि एक इंसान के अंदर ऐसा ही पॉसिबल है, क्रोमोसोम पेयर में होगा, तो क्या इस लोकस के ऊपर ऐसा हो सकता है कि ए बी है बी बी है सी बी है ऐसा और एक आदमी के अंदर छह छह है यहाँ पर, नहीं हो सकता सर। नो सर, नहीं हो सकता, क्या हो सकता है, या तो कैपिटल ए कैपिटल ए या कैपिटल ए स्मॉल ए, बस। तो बी कहाँ है, बी कहीं और है, हो सकता है इसी क्रोमोसोम पे कहीं और हो, ये हो सकता है यहाँ पे बी घूम रहा या किसी दूसरे क्रोमोसोम पे हो, ऐसा हो सकता है। तो एलील जो है वो लोकस स्पेसिफिक होता है, किस जगह पर प्रेजेंट है ना, उसी जगह पे जितने डिफरेंट फॉर्म होंगे, उसी क्रोमोसोम पे उसी जगह पे जितने डिफरेंट फॉर्म प्रेजेंट होंगे उससे ही हम एलील बोलेंगे, भले ही उस कैरेक्टर को कंट्रोल करने वाले कोई जीन दूसरी जगह पर हो तो उसे एलील मत बोलना, वो एलील नहीं है, एलील हमेशा लोकस स्पेसिफिक होता है। समझ आई बात, समझ गया ना,
कि भाई मानव मानव समष्टि में ह्यूमन पॉपुलेशन में स्किन को स्किन कलर को कंट्रोल करने के लिए ए बी और सी ऐसे तीन जीन है, लेकिन उन्हें आपस में एलील क्यों नहीं बोल रहे, क्योंकि वो अलग अलग क्रोमोसोम पे अलग अलग जगहों पर उपस्थित है। एलील हम किसको बोलेंगे, सिर्फ उन अल्टरनेट फॉर्म को जो सेम लोकस पे प्रेजेंट होता है। समझ गए, चाहो तो डेफिनेशन लिख लो। देखो ये सबसे बेस्ट एग्जांपल है जो मैंने तुम्हें अभी समझाया है। इससे कहेगा कि एक इंसान के अंदर मैक्सिमम दो एलील जो है वो पॉसिबल हो सकते हैं और पॉपुलेशन में दो से ज्यादा भी हो सकते हैं, ठीक है, और इसे ही हम बोलते हैं मल्टीपल एलिलिज्म। हाँ बच्चे कुछ पूछे थे सर जी, ये जो है जीन को मतलब ये जो एलील का आप डिफिनेशन बताओ, एक लक्षण को नियंत्रित करने के लिए जो जीन होते हैं वो एक ही लोकस पे उपस्थित होना चाहिए। जो एक ही लोकस पे होंगे डिफरेंट फॉर्म, उन्हें हम एलील बोलेंगे। जो डिफरेंट लोकस पे होंगे भले वो उसी कैरेक्टर को कंट्रोल करे बट वो एलील नहीं कहलाएंगे, है ना, लोकस सेम होना बहुत जरूरी है। देखो लिख देता हूं डेफिनेशन, डिफरेंट form of genes, different form of genes for one particular character present in a population the same locus of a particular chromosome known as allele. समझ गए ना कि किसी भी पॉपुलेशन के अंदर क्रोमोसोम की एक स्पेसिफिक लोकस पे किसी लक्षण को कंट्रोल करने के लिए जितने डिफरेंट फॉर्म प्रेजेंट हो सकते हैं उसे हम एलील बोलते हैं। एक इंसान के अंदर मैक्सिमम दो एलील जो है वो हो सकते हैं यदि वो डिप्लॉइड है, ट्रिप्लॉइड है तो तीन भी हो सकते हैं, लेकिन डिप्लॉइड ही देखते हैं हम तो मैक्सिमम दो एलील जो है वो हो सकता है, ठीक है, मतलब कि एक ही पेयर एलील है सर जी, क्योंकि दो बोल रहे हैं तो एक ही पेयर, मतलब कि एक इंसान के अंदर ज्यादा से ज्यादा एक पेयर एलील हो सकता है, लेकिन पॉपुलेशन में दो से ज्यादा भी हो सकते हैं। या मैं ऐसे लिख दूं, जनरली एलील्स आर प्रेजेंट इन पेयर, मोस्टली क्या होते हैं एलील्स पेयर में होते हैं, बट इन पॉपुलेशन मोर देन टू एलील्स आर ऑल्सो पॉसिबल फॉर वन कैरेक्टर is known as multiple alleles. क्या एलील का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया सब बच्चों को, कि सामान्यतः एलील जो है वो जोड़े के रूप में उपस्थित होते हैं, यानी एक लक्षण के लिए सामान्यतः दो एलील होंगे, स्पेशली जब हम मेंडल वाले एक्सपेरिमेंट पढ़ेंगे ऐसे भी बात करें, लेकिन पॉपुलेशन में दो से ज्यादा एलील भी हो सकते हैं, एक लक्षण के लिए दो से ज्यादा एलील भी हो सकते हैं, यदि दो से ज्यादा एलील एक लक्षण के लिए उपस्थित होगा तो उसे हम क्या बोल देते हैं, उसे हम बोल देते हैं मल्टीपल एलिलिज्म, यानी बहु एलिलिज्म, यानी एलिलिज्म बोलते हैं, ठीक है, क्लियर हो गई बात। यस सर। हेलो सर, कैरेक्टर की बात करें सर, कैरेक्टर के बाद दैट इज होता है दैट इज, उसे बहु एलिलिज्म कहते हैं।
एग्जाम्पल देख लो, एग्जाम्पल जनरली प्रेजेंट इन पेयर, इसका एग्जाम्पल प्लांट हाइट के लिए, पी प्लांट हाइट के लिए एल क्या है, कैपिटल टी एंड स्मॉल टी। अब नॉर्मली हम क्या करते हैं, नॉर्मली हम एलिल को लिखने के लिए यदि दो ही ऑप्शन है तो एक कैपिटल और एक स्मॉल वर्ड लेटर जो है वो यूज करते हैं। क्यों क्यों यूज करते हैं ऐसा, जो डोमिनेंट रिसेसिव शो करने के लिए, और जो रिसेसिव है उसके लिए स्मॉल होगा, या जो स्मॉल वाला है वो अप्रभावी जीन को बता देगा। ठीक है, और भी कोई तरीका होता है कि उनको लिखने का, टी और डी भी लिखते हैं कई बार, हम इसे क्या करते हैं प्लस लगा के भी लिख देते हैं, जो डोमिनेंट होता है उसको प्लस लगा के लिख दिया, जैसे तुम ड्रोसोफिला में पढ़ते हो डब्ल्यू डब्ल्यू प्लस, डब्ल्यू जो है मान लो व्हाइट बॉडी, डब्ल्यू प्लस ब्राउन बॉडी, डोमिनेंट वाला कौन सा है, डब्ल्यू की डब्ल्यू प्लस डब्ल्यू प्लस जो है वो डोमिनेंट के लिए भी लिख देते हैं। ठीक है ना, और नॉर्मली कैपिटल स्मॉल वाला यूज करते हैं, करेंगे हम। ठीक है, और मल्टीपल एनालिसिस का भी एग्जांपल है, मैं लिखना है तो लिख लो, एबीओ ब्लड ग्रुपिंग के लिए आई ए आई बी एंड स्मॉल आई आर एल एस। क्या बहुत ही आसान सी बात है, आप सब समझ गए ना? यस सर, बहुत ही आसान सी बात है, कुछ भी खास नहीं है, लेकिन हमारे माइंड में ना चीजें, क्योंकि ये ना कुछ वैसे ही है, जेनेटिक्स वाला चैप्टर कुछ वैसे ही, एकदम फिजिक्स पढ़ते हो ना, तो चीजें जो है जितना एकदम बेसिक तरीके से पता होगा आगे उतनी आसानी रहेगी, दिक्कत नहीं आएगी, और लाइन पढ़ के नहीं आती समझ में, एग्जाम्पल से ही समझ में आता, सिर्फ लाइन पढ़ लोगे, एलएल की परिभाषा पढ़ लोगे 100 बार क्वेश्चन में फंस जाओगे, क्वेश्चन पूछूंगा फंस जाओगे। ठीक है, बट समझा हुआ होगा नहीं फंस जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट एक और इसके बाद में एलएल के बाद क्या होता है प्रभावी और क्या होता है अप्रभावी। डोमिनेंट देखो प्रभावी का मतलब किसका, किस दो सेंस में बात कर सकते हैं, तो जीन के प्रभावी होने के लिए या लक्षण के प्रभावी होने के लिए, दो तरीके से बात कर सकते हैं। तो प्रभावी लक्षण या प्रभावी ट्रेट वो होता है जो अपने आप को हेटरोजाइगस में एक्सप्रेस करता है, या प्रभावी एलील वो होता है जो अपने साथ जब दूसरा, क्योंकि किसी भी इंसान के अंदर क्या है, कैरेक्टर पेयर की फॉर्म में, मान लो हमने देखा पी प्लांट की हाइट के लिए कैपिटल टी जीन है और स्मॉल टी जीन है, अब एक पादप के अंदर क्या होगा, जोड़े में उपस्थित होगा, क्या क्या जोड़े पॉसिबल है, कैपिटल टी पॉसिबल है, कैपिटल टी स्मॉल टी पॉसिबल है, और स्मॉल टी तीन पॉसिबल है। तो जब ये हेटरोजाइगस कंडीशन में होगा तो उस कंडीशन में ये जिस लक्षण को एक्सप्रेस करेगा उसे ही हम क्या बोल देते हैं, उसे हम डोमिनेंट। ठीक है, यस सर, बोले तो द एलएल दैट इज एबल टू एक्सप्रेस इटसेल्फ इन heterozygous condition, is dominant allele, वो allele जो अपने आप को heterozygous विषमयुग्मजी, heterozygous का मतलब विषमयुग्मजी, वो allele जो अपने आप को विषमयुग्मजी अवस्था में भी express कर पाएगा वो हो जाएगा heterozygous एलिल, और वो एलिल जो अपने आप को सिर्फ और सिर्फ होमोजाइगस कंडीशन में एक्सप्रेस कर सकता है वो होगा रिसेसिव, क्योंकि
इस कंडीशन में स्मॉल टी तो अपने आप को एक्सप्रेस कर नहीं पाया, उसका लक्षण आया नहीं, ठीक है। तो द एलील दैट इज एबल टू एक्सप्रेस इटसेल्फ इन हेटरोजाइगस कंडीशन इज डोमिनेंट एलील, वह एलील जो अपने आप को विषम युग्मज अवस्था में प्रदर्शित कर सकता है उसे हम क्या बोल देते हैं, या एक्सप्रेस कर सकता है, अभिव्यक्त कर सकता है उसे हम क्या बोल देते हैं, उसे डोमिनेंट एलील बोल देते हैं। और ऐसे ट्रेट को सच ट्रेट इज डोमिनेंट ट्रेट। सर जी क्या बोल रहे, वन टाइम और रिपीट कीजिए ना हिंदी में। हिंदी में वापस से रिपीट कर रहा हूँ। विषम युग्मजीय अवस्था में जो एलील अपने आप को अभिव्यक्त कर पाता है उसे हम डोमिनेंट एलील बोलते हैं, और वह लक्षण या उसके द्वारा प्रदर्शित लक्षण, जैसे इसकी वजह से क्या होगा, प्लांट टॉल होगा, तो वह लक्षण जो अपने आप को प्रदर्शित कर पाया वह लक्षण क्या है, डोमिनेंट ट्रेट है, प्रभावी लक्षण, समझ गए। यस सर। सर जी संयुग्मजी बोल रहे हो ना, क्या बच्चे सम सम क्या आवाज नहीं तुम्हारी बच्चे? सर हेटरोजाइगस को क्या बोल रहे हैं करके पूछी वो। विषम युग्मजी ऐसे ही रिसेसिव क्या होगा, द एलील दैट कैन रिमेन्स सप्रेस्ड इन द हाइब्रिड itself only in homozygous condition. Homozygous condition only in homozygous, केवल समयुग्मजी homozygous condition में ही अपने आप को प्रदर्शित करे उस एलील को हम क्या बोलेंगे, उस एलील को बोलेंगे हम recessive, वह एलील जो अपने आप को सिर्फ समयुग्मजी अवस्था में अभिव्यक्त कर पाता है उसे हम रिसेसिव एलील बोलते हैं। एंड द ट्रेट, एंड द ट्रेट इज रिसेसिव। एग्जांपल हो जाएगा स्मॉल टी, स्मॉल टी क्या होता है, ड्वार्फ होता है। स्मॉल टी क्या है, स्मॉल टी जो है वो है रिसेसिव एलील। और बोना होना, ड्वार्फ का मतलब बोना, बोना होना क्या है, अप्रभावी लक्षण, समझ गया ना, प्रभावी लक्षण और प्रभावी एलील, क्लियर होगी बात सबको। यस सर, यस सर। अब होमोजाइगस हेटरोजाइगस वर्ड आया था उसको भी देख लेते हैं एक बार, क्या है होमोजाइगस और क्या है हेटरोजाइगस। सर अगर डायरेक्ट जनरेशन से बोले तो भी तो ये क्लियर हो जाता है ना। जनरेशन से क्या बोलना चाहते हैं कि जो F1 जो फर्स्ट जनरेशन में दिखता है वो पूरा मतलब वो हो जाएगा प्रभावी। और तो बच्चे बोलते हैं ये, वो बच्चे बोलते हैं जिनको सिर्फ मेंडल का जो क्रॉस है वो पड़ा हुआ है और उन्हें बहुत ज्यादा वो आइडिया नहीं। हम तो चाहे फर्स्ट हो चाहे सेकंड हो चाहे थर्ड हो चाहे दुनिया की कोई भी जनरेशन हो, हम तो उसके अकॉर्डिंग डिफाइन कर देंगे, है ना, क्योंकि हमें तो पता है कि वो चाहे किसी भी जनरेशन का कोई हमारे सामने लाठी खड़ा करते हैं, नहीं पता फर्स्ट जनरेशन है कि 100 जनरेशन, हमको नहीं पता। लेकिन यदि वो हेटरोजाइगस कंडीशन में है तो जो लक्षण हमें दिख रहा है वही इसका प्रभावी लक्षण है, और जो जीन उसकी उतर रही है वही इसका प्रभावी जीन है या एलील। सर जी रिसेसिव को वन टाइम और रिपीट कर दीजिए ना प्लीज। अप्रभावी जीन वह होता है जो अप्रभावी एलील, जीन भी बोल सकते हो कोई दिक्कत नहीं है, जीन भी बोल सकते हो, लेकिन एलील हम स्पेसिफिकली कंपेयर कर रहे हैं इसलिए बोल रहे हैं। तो अप्रभावी एलील वह है जो अपने आप को केवल समयुग्मजी अवस्था में प्रदर्शित करता है, अभिव्यक्त करता है, अपने आप को केवल केवल समयुग्मजी अवस्था में अभिव्यक्त करता है उसे हम क्या बोलते हैं, अप्रभावी एलील। और ऐसे लक्षणों को अप्रभावी लक्षण बोल दिया जाता है। उदाहरण देख लेते हैं। सर एक डाउट था सर। सर हां बच्चे, सर कैपिटल टी और स्मॉल टी में कैपिटल टी डोमिनेंट होगा और स्मॉल टी रिसेसिव होता है ना सर? हाँ हाँ बिल्कुल सही बोल रहे हो। अब देखो क्या होता है होमोजाइगस और क्या होता है होमोजाइगस एंड हेटेरोजाइगस।
होमोजाइगस को हिंदी में बोलते हैं संयुग्मजी और हेटरोजाइगस को हिंदी में बोलते हैं क्या? द्विसंयुग्मजी है ना। होमोजाइगस कंडीशन व्हेन द पेयर फैक्टर, और क्या कॉन्सेप्ट क्या है जिसे तुमको बताया कि किसी भी इंसान के अंदर अभी हमने बात की 2n है, द्विगुणित है, तो उसके पास हर एक क्रोमोसोम पेयर में होगा, होगा कि नहीं? यस यस सर। तो है पेयर में, तो है पेयर में, बोलो यदि पेयर में नहीं होता तो क्या होता? तीन क्यों नहीं है, चार क्यों नहीं है, पेयर में ही क्यों है? बोलो बोलो सर, तभी तो एक प्रभावी और एक अप्रभावी होगा। नो, दोनों प्रभावी तो है, तीन प्रभावी हो जाए। नो सर, एक अप्रभावी तो होते ही नहीं। क्यों पेयर में ही है? अरे भाई, क्योंकि हमारे अंदर जो क्रोमोसोम है वो मम्मी और पापा से आ रहा है। यस सर। भाई मेरे अंदर क्रोमोसोम नंबर 1 है मान लो, तो क्रोमोसोम नंबर 1 मुझे एक क्रोमोसोम नंबर 1 मेरी मम्मी ने दिया था, मुझे एक क्रोमोसोम नंबर 1 पापा ने दिया था, और इन दोनों क्रोमोसोम की जिम्मेदारी है कि क्रोमोसोम नंबर 1 के जितने भी कैरेक्टर हैं वो सारे कैरेक्टर मेरी बॉडी के अंदर ऑर्गेनाइज वे में आए। अब यदि वो पेयरिंग नहीं होती तो फिर क्या होता? मान लो एक क्रोमोसोम के ऊपर कोई जीन, दूसरे के ऊपर कोई जीन, पता पड़ा आधे आ रहे हैं आधे नहीं आ रहे, गड़बड़ हो जाती। तो हर एक इंसान के अंदर या हर एक द्विगुणित ऑर्गेनिज्म के अंदर क्या हो रहा है, मदर और फादर दोनों से क्रोमोसोम आते हैं, और जो क्रोमोसोम मम्मी से आया उसका पेयर है जो पापा से आया। क्यों? क्योंकि दोनों के ऊपर सेम लोकस के ऊपर सेम कैरेक्टर के लिए जीन है, और जब यही हम अपने बच्चों में देंगे तो क्या होगा, फिर पापा से एक चला जाएगा, मम्मी से एक आ जाएगा, उसके अंदर भी वही कंडीशन, वही कैरेक्टर के वही जीन उसी पोजीशन पे बनी रहेगी, होगा कि नहीं? उसी लक्षण के लिए जीन एलील वेरी करेंगे, एलील जो है वो कोई भी जा सकता है, तो उसकी मम्मी जैसी होगी उसके अकॉर्डिंग क्रोमोसोम नंबर का 1 का एलील आएगा, पापा के अकॉर्डिंग आएगा, तो वो वेरिएशन रहेंगे, बट ये फिक्स है, कैरेक्टर फिक्स हो गया कि क्रोमोसोम नंबर 1 पे सबसे टिप पे मान लो आई के कलर के जीन था, तो हर हमेशा फिक्स हो गया कि मेरी आई का कलर उससे डिसाइड हो रहा है, मेरे बच्चे की आई का कलर उसके बच्चे उसके बच्चे, तो इस तरीके से क्रोमोसोम नंबर 1 के टिप पे यदि आई के कलर के जीन है तो हर में वही चलेगा, कलर कौन सा तो वो डिपेंड करेगा उनके एलील्स के कॉम्बिनेशन पे। तो इसीलिए हर एक ऑर्गेनिज्म के अंदर क्रोमोसोम्स हम क्या देख रहे हैं, जो भी डिप्लॉयड है उनके अंदर पेयर में होते हैं। अब पेयर में जो क्रोमोसोम है उनके ऊपर जीन, किसी कैरेक्टर के लिए जीन जो है वो कैसी आएगी वो डिपेंड करता है उसके मम्मी और पापा ने क्या दिया। एक मटर का प्लांट है, मटर की मम्मी है टीटी कैपिटल टी मान लो, और मटर के पापा है स्मॉल टी मान लो, ऐसा है, यानी इनके एक पर्टिकुलर क्रोमोसोम पे कैपिटल टी जीन है, यहाँ पर स्मॉल टी, इन्होंने क्या किया अपने बच्चे को एक एक जीन दे दिया, अपने क्रोमोसोम एक एक क्रोमोसोम दे दिया, तो जीन कैसे चलेगी, कुछ इस तरीके से चलेगी, पेयर में आएगा, फिर ये अपने बच्चों को देगा। तो होमोजाइगस कंडीशन वो होगी जिसमें क्रोमोसोम क्या हो, इस तरीके से अरेंज है या ऐसे क्रोमोसोम आए हैं जिसमें दोनों के पास क्या है, डोमिनेंट कैरेक्टर है, या दोनों के पास ही रिसेसिव कैरेक्टर है, एक जैसे एलील होने चाहिए, यानी सेम एलील इज प्रेजेंट ऑन क्रोमोसोम। अभी मैंने बता दिया कि क्रोमोसोम पेयर में होता है, क्रोमोसोम पेयर में होता है और उनके ऊपर सेम लोकस पे सेम कैरेक्टर के लिए जीन है, और यदि वो दोनों जीन एक जैसी हैं, यानी सेम ही एलील है, कैपिटल टी सेम एलील, स्मॉल टी सेम एलील, तो इस टाइप का यदि कोई कंडीशन होगा तो ये क्या है, ये होमोजाइगस है, ये भी होमोजाइगस है, इसको बोल सकते हो कि ये होमोजाइगस डोमिनेंट है, इसको बोल सकते हो ये होमोजाइगस रिसेसिव है। समझ गए क्या? यस सर। इंपॉर्टेंट है टर्मिनोलॉजी, क्योंकि क्वेश्चन करोगे तो वहां पर आएगा कि सपोज एक होमोजाइगस डोमिनेंट मदर का क्रॉस जो है वो हेटरोजाइगस फादर से हो गया, तो तुम्हें समझ जाना है कि होमोजाइगस का मतलब इनके पास दोनों ही जीन क्या है, एक जैसी, दोनों एलील एक जैसे, ठीक है। हेटरोजाइगस की जब हम बात करेंगे तो क्या होगा, यहां पर डिफरेंट एलील्स
present on chromosomal pair. क्रोमोसोमल पेयर मैं तुमको अभी जो पढ़ा रहा हूँ वो मैं मेंडल के अकॉर्डिंग नहीं पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि मेंडल ने जब अपनी बातें की थी तो मेंडल को क्रोमोसोम के बारे में कुछ नहीं पता था, मैं उसके अकॉर्डिंग नहीं पढ़ा रहा हूँ तुम्हें, मैं तो तुम्हें उसके अकॉर्डिंग पढ़ा रहा हूँ कि हमें तो अब पता है कि पेयर फैक्टर या जीन या ये सब कैसे प्रेजेंट है, कहाँ पर होते हैं, तो मैं उसके अकॉर्डिंग पढ़ा रहा हूँ जो कि मोर रियलिस्टिक है ना। तो डिफरेंट एलील्स आर प्रेजेंट ऑन द क्रोमोसोमल पेयर, तो डिफरेंट एलील क्या है, जैसे कैपिटल टी स्मॉल टी, क्या हो गया ये हेटरोजाइगस हो गया। आगे बात समझ में? यस सर। कुछ बार हम हेमीजाइगस कंडीशन भी देखते हैं, हेमीजाइगस, हेमी का मतलब क्या होता है, हेमी का मतलब हाफ, हाफ हाफ मतलब हाफ, अर्धद्विगुमजी बोल सकते हो, अर्धद्विगुमजी हेमीजाइगस। तो यदि हेमीजाइगस कंडीशन है तो क्या होगा, आधा ही जीन जो है वो पहुंचा, मतलब पेयर की जगह एक ही पहुंचा, क्या बोलोगे, हेमीजाइगस, यानी पेयर की जगह पे क्या है, अनपेयर्ड एलील प्रेजेंट है, यानी क्या होता है, सिंगल एलील इज प्रेजेंट इंस्टीड ऑफ पेयर, पेयर के बदले में क्या होगा, सिंगल एलील ही प्रेजेंट हो तो उसे बोलेंगे हेमीजाइगस कंडीशन। क्या ऐसा हो सकता है, क्या ऐसा हो सकता है, सेक्स क्रोमोसोम के थ्रू हो सकता है क्या? यस सर। यस सर। ये मान लो अपनी लड़कों की बात करते हैं, लड़कियों की बात नहीं करें, लड़कों की बात करें, तो लड़कों के अंदर क्या है, मान लो ये एक्स क्रोमोसोम है और ये वाई क्रोमोसोम है, क्या ये होमोलोगस क्रोमोसोम है, क्या समजात गुणसूत्र है क्या? नो सर। हेटरोजाइगस अलग अलग हो गए। अब मान लो लड़कों के अंदर स्पर्म वगैरह बनाने की जीन, टेस्टिस वगैरह बनाने की जीन यहाँ पर है, ईडीएफ वाली जीन यहाँ पर है, मान लो टेस्टिस इसमें मैन्युफैक्चर है, टेस्टिस बनाने वाली जीन मान लो यहाँ पर है, तो क्या लड़कियों में भी होगी क्या? नो सर। नो सर। आई बात समझ में? तो यहाँ पर क्या देख रहे हैं हम, यहाँ पर देख रहे हैं कि डिफरेंस है, पेयर में है ही नहीं, एक्स के ऊपर अलग क्रोमोसोम, वाई के ऊपर अलग क्रोमोसोम, कुछ पार्ट में बस कॉमन होता है, इतना सा पार्ट होगा ना तो कॉमन होगा, जो उसको पेयरिंग करवा देगा किस टाइम पे, जब मियोसिस होती है, बट मोस्ट ऑफ द पार्ट जो है वो कैसे है, एक दूसरे से डिफरेंट है, यानी इनके ऊपर जो जीन प्रेजेंट है वो पेयर में नहीं है। क्या यही रीजन है कि हीमोफीलिया के लिए, हीमोफीलिया वाली जीन जो है उसके लिए रेट्रोजाइट बनाने वाली जीन के लिए मेल जो होता है वो हेमीजाइगस होता है, कलर ब्लाइंडनेस के लिए मेल जो है वो हेमीजाइगस होता है, वर्णांधता के लिए बताओ, वर्णांधता के लिए जो नर होगा वो अर्धद्विगुमजी होगा कि नहीं? यस सर। यस सर। यस सर। एक्स सी वाई कंडीशन, एक्स सी वाई क्या है, वर्णांधता, इसके अंदर मेल नर में वर्णांधता, तो नर में वर्णांधता की जीन जो है वो ऐसी होगी हेमीजाइगस, इंस्टीड का मतलब बदले में, इंस्टीड ऑफ पेयर मतलब जोड़े के बदले में क्या होता है, अकेला अकेला होता है, सिंगल होता है, एकल होता है, तो इस टाइप की जीन जो भी होगी एक्स और वाई क्रोमोसोम के ऊपर नर में, मादा में नहीं, नर में, वो क्या होंगे, हेमीजाइगस होगा। जो गैमीट होते हैं उनके अंदर जो भी जीन जाते हैं स्पर्म के अंदर या एग के अंदर जो भी जीन जाते हैं, क्या वो भी हेमीजाइगस होंगे कि नहीं? हमारा स्पर्म जो है वो अपने जीन के लिए, सारे जीन के लिए, सारे एलील्स के लिए हेमीजाइगस होगा, एग जो है वो हेमीजाइगस होगा, है ना? और काम रहता ऑर्गेनिज्म में यदि हम बात करें तो ऑर्गेनिज्म के अंदर ह्यूमन में कलर ब्लाइंडनेस एक एग्जांपल ध्यान रख सकते हो, हीमोफीलिया के एग्जांपल ध्यान रख सकते हो, टीडीएफ की जीन ध्यान रख सकते हो, तो एक्स और वाई क्रोमोसोम पर उपस्थित जीन के लिए नर ऐसा होता है, स्मॉलेस्ट जीन होता है ना, स्मॉलेस्ट, हाँ, स्मॉलेस्ट जीन होता है, बच्चे तुम्हें इसका मतलब
नेक्स्ट चैप्टर जो है उसके अंदर ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट पढ़ लिया है, वेरी गुड बच्चे। सर ये बाई पे तो 231 जीन्स प्रेजेंट होते हैं ना बाई क्रोमोसोम पे, लेकिन क्या ये बोल रही, एक क्रोमोसोम होता है ना बाई, उस पर 231 जीन्स प्रेजेंट होते हैं, तो मतलब कौन सा सबसे डोमिनेंट होता है? वो तो जरूरी थोड़ी कोई भी डोमिनेंट हो सकता है, सारे डोमिनेंट हो सकते हैं, सारे रिसेसिव हो सकते हैं, कुछ डोमिनेंट कुछ रिसेसिव हो सकते हैं, कुछ भी पॉसिबिलिटी है। उसमें अलग अलग कैरेक्टर्स के होते हैं ना? हाँ वो जितने जीन है वो सब अलग कैरेक्टर के, वो एलील नहीं है। एलील तो क्या होगा पेयर में, है ना? जितनी भी जगह पे मैं एलील लिख रहा हूँ इसके लिए मैं जीन वर्ड भी यूज कर सकता हूँ, लेकिन मुझे स्पेसिफाई करना पड़ेगा जीन फॉर द सेम कैरेक्टर, डिफरेंट जीन फॉर द सेम कैरेक्टर, तो उसे ही तो हम क्या बोलेंगे एलील, है ना? तो इस तरीके से यूज कर सकते हो। चलो नेक्स्ट देखो अब इसके बाद में। सर ये टीडीएफ क्या है? टीडीएफ होता है टेस्टिस डिटरमाइनिंग फैक्टर। सर डिटरमाइनिंग फैक्टर नर में जो उनका टेस्टिस बनता है उनके अंदर जो जनन क्षमता होती है उसके लिए जिम्मेदार होता है। हेमिसाइगस को अर्धयुग्मक मजी। एक्सक्यूज मी सर। हाँ मजी सर। हाइट एक कैरेक्टर है और टॉल और शॉर्ट एक ट्रेड है। हाइट एक कैरेक्टर है, टॉल एंड शॉर्ट ट्रेड है, बिल्कुल 100% से बच्चे। यस बस वही बिल्कुल ऐसे ही पता होना चाहिए, जैसे तुमको क्लियर बताया ना कि ये कैरेक्टर है, ये ट्रेड है, तुमको ये पता है ना आपकी भाई ये एलील है, ये डिफरेंट फॉर्म है, जीन क्या चीज है, जीन तो ए बी है, बी बी है, सी बी है, डी बी है, कैपिटल ए बी जीन है, स्मॉल ए बी जीन है, लेकिन एलील स्पेसिफिक हो गए, कैपिटल ए स्मॉल ए वाले को हम एलील बोलेंगे, कैपिटल बी स्मॉल बी वाले को एलील बोलेंगे, ए और बी को आपस में एलील नहीं बोलेंगे। सर जी आप हेमी जाएगा इसको क्या बोले वन टाइम और बताइए तो। अर्धयुग्मजी, अर्धयुग्मजी, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट इस पर में फीनोटाइप और जीनोटाइप क्या होते हैं। फीनोटाइप तो हिंदी में बोलते हैं लक्षण प्रारूप, फीनोटाइप जो होता है वो होता है लक्षण प्रारूप, और जीनोटाइप होता है जीन प्रारूप, मतलब जो बाहर से दिखे वो फीनोटाइप, जो अंदर से दिखे वो जीनोटाइप, ठीक है ना? फीनोटाइप जो होता है दैट इज एक्सटर्नल अपीयरेंस ऑफ अ कैरेक्टर और ट्रेड इन ऑर्गेनिज्म। लक्षण प्रारूप होता है कि किसी लक्षण के लिए जो ऑर्गेनिज्म के अंदर बाहर से उसका फॉर्म दिख रहा है या ट्रेड दिख रहा है उसे हम बोल देंगे लक्षण प्रारूप फिनोटाइप। जैसे जैसे हमने देखा कि स्किन का कलर, अब स्किन का कलर तो बहुत सारे अलग अलग टाइप के हो सकते हैं, तो जितने भी डिफरेंट टाइप के स्किन कलर तुम देख सकते हो उसे ही हम क्या बोलेंगे उसका फीनोटाइप। कोई बहुत काला है एकदम काला भूत है, कोई कोई जो है एकदम गोरी छक है, ठीक है, कोई जो है वो श्याम है, कोई जो है श्याम से थोड़ा काला है, ठीक है। तो ऐसे डिफरेंट टाइप के जितने भी स्किन कलर हमें दिख रहे हैं वो सारे क्या होंगे उसके लक्षण प्रारूप होंगे, और जब हम रेशियो निकालेंगे तो इस रेशियो को फीनोटाइपिक रेशियो बोलेंगे। जीन प्रारूप क्या होता है कि जो हमें लक्षण दिख रहा है ट्रेट दिख रहा है उस ट्रेट के लिए उस व्यक्ति के अंदर या उस जीव के अंदर जीन का कंपोजिशन क्या है। जीनोटाइप क्या है? कंपोजिशन ऑफ जीन और एलील प्रेजेंट इन ऑर्गेनिज्म फॉर अ पर्टिकुलर ट्रेट और कैरेक्टर। इसी ट्रेट या कैरेक्टर के लिए जीव के अंदर जो भी जीन का कंपोजिशन है उसे हम क्या बोलते हैं जीनोटाइप। जैसे जैसे टॉल, टॉल क्या है लंबा होना क्या है फिनोटाइप है। जब हम इसके जीन प्रारूप की बात करते हैं तो टॉल तो अलग अलग टाइप का हो सकता है, जीव के अंदर हो सकता है जीन का ये कंपोजिशन हो तो वो टॉल, यस या फिर
कैपिटल टी स्मॉल टी होगा, ये वाला भी हो तो टॉम। तो जो उसका जीन का कंपोजिशन है ये क्या है, ये है जीनोटाइप, और बाहर से जो दिख रहा है वो फेनोटाइप। क्लियर है बात? जीनोटाइप फेनोटाइप क्लियर हो गया? यस सर क्लियर। ओके बच्चे, देन इसके बाद में नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं मोनोहाइब्रिड डायहाइब्रिड वो क्या होते हैं उनकी बात। मोनो ऐसे ही खुलता जुलता वर्ड है डायहाइब्रिड, खुलता जुलता टर्म है ट्राइहाइब्रिड। चलो बताओ, तुम ऐसे ही बताओ पहले, मोनोहाइब्रिड क्या होता है बोलो। एक एलील युग्म का उपयोग संकरण के लिए करते हैं तो इसे मोनोहाइब्रिड बोलते हैं। एक एलील युग्म को हम संकरण के लिए यूज करते हैं उसे मोनोहाइब्रिड बोलते हैं। डायहाइब्रिड क्या होगा? सर टू कैरेक्टर, टू कैरेक्टर डायहाइब्रिड हो जाएगा। चलो बिल्कुल ठीक, एक इसमें तुम्हें कितने मोनोहाइब्रिड दिख रहे हैं? दो 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 मोनोहाइब्रिड दिख रहे हैं क्या सर? वन किसी बच्चे को दो मोनोहाइब्रिड दिख रहे हैं, किसी को और भी ज्यादा दिख रहे हैं क्या? क्या ये मोनोहाइब्रिड है कि नहीं? नो सर नो है नो सर नो सर No. No, no sir. sir. Yes sir. Yes sir. third वाला कैसा हुआ? तब तुम इस क्वेश्चन से काफी कुछ सीख रहे हो। जिस बच्चे ने अपने आंसर्स को बाद में सही किया है, भले ही उसने कैपिटल टी को होना है बोला था, लेकिन उसने यहाँ पर जाकर के सही आंसर दिया है, उसके लिए ये क्वेश्चन ही अपने आप में सर। थर्ड वाला कैसे, लास्ट वाला कैसे हुआ? जिनको बात नहीं पता पड़ी मोनो का मतलब होता है एक, और हाइब्रिड का मतलब क्या होता है? व्हाट इज हाइब्रिड? जनरल टर्म हाइब्रिड सर, संकरण, टू डिफरेंट, ओके मिक्सिंग या संकरण। तो मोनो हाइब्रिड का मतलब दो का संकरण होना चाहिए, दो का मिक्सिंग होना चाहिए, दो का मिक्सिंग होना चाहिए लेकिन अकेला। तो इसका मतलब ये हुआ कि मोनो हाइब्रिड वो होता है जिसके अंदर एक ही हाइब्रिड हो, यानी एक ही हेटरोजाइगस प्रेजेंट हो। तो यहाँ पर क्या हेटरोजाइगस है? नहीं है, तो ये तो हाइब्रिड हुआ ही नहीं, ये तो प्योर हो गया। समझे बच्चे? यहाँ पर क्या, यहाँ पर हमने देखा यस ये दो की मिक्सिंग से बना हुआ है इसीलिए मोनो हाइब्रिड होगा। फिर यहाँ पर हमने देखा कैपिटल है ये तो होमोजाइगस ही, तो हाइब्रिड है ही नहीं, ये हाइब्रिड है क्या? यस ये मोनो हाइब्रिड होगा सर। यहाँ पर देखो एक बार मैं कंप्लीट करता हूँ बच्चे, फिर उसके बाद तुम्हारी बात सुनूंगा। देखो यहाँ पर ये भी हेटरोजाइगस मतलब ये भी हाइब्रिड ये क्या होगा? डाइहाइब्रिड। और यहाँ पर देखा ये भी हेटरोजाइगस ये भी हाइब्रिड ये तो क्या है? ट्राइहाइब्रिड। जब इसको देखा तो ये तो हाइब्रिड नहीं है, ये हाइब्रिड है, ये भी हाइब्रिड नहीं है, सिर्फ एक ही के लिए हाइब्रिड हुआ, तो क्या बोलोगे इसे? मोनोहाइब्रिड बोलोगे, क्योंकि एक ही के लिए हेटरोजाइगस है ना।
पिक्चर क्लियर हुई क्या सर? अगर लास्ट वाले में स्मॉल आर और कैपिटल आर होता तो डाई हाइब्रिड बोल देते। मतलब हाइब्रिड का मतलब है यहाँ पर कितने लक्षणों के लिए वो हेटरोजाइगस है उतना हाइब्रिड होगा। एक लक्षण के लिए हेटरोजाइगस है तो मोनो हाइब्रिड, दो लक्षण के लिए तो डाई हाइब्रिड, तीन लक्षण के लिए तो ट्राई हाइब्रिड, चार के लिए तो टेट्रा हाइब्रिड। समझ में आ गई बात? इससे फर्क नहीं पड़ रहा है कि उसके आसपास कितने लक्षण लिखे हुए, उससे मतलब नहीं। हमें तो उनमें से चूज करना है कि कितने लक्षणों के लिए हेटरोजाइगस होता है। समझ गए क्या सर? एक बार फिर से बताइए ना, मेरा नेटवर्क प्रॉब्लम था अभी जस्ट। ओके बच्चे वापस देखो, यदि कोई जीव सिर्फ एक लक्षण के लिए हाइब्रिड होता है तो उसे हम बोलते हैं मोनो हाइब्रिड। क्या है ये? इट इज हाइब्रिड, हाइब्रिड और हेटरोजाइगस फॉर सिंगल कैरेक्टर। हाइब्रिड और हेटरोजाइगस फॉर सिंगल कैरेक्टर उसे बोलेंगे मोनो हाइब्रिड। समझ गए क्या? कैसे? जैसे एग्जांपल के साथ साथ ही एग्जांपल देता हूं। जैसे हमने देखा कैपिटल टी स्मॉल टी तो एक लक्षण के लिए हेटरोजाइगस है तो हम बोलेंगे मोनो हाइब्रिड, या फिर पी टी कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू। अब दो लक्षण भले ही देख रहे हैं हम लेकिन हेटरोजाइगस किसके लिए है? सिर्फ एक के लिए, तो भी ये मोनो हाइब्रिड होगा। ऐसे ही A, कैपिटल A, B, स्मॉल B, कैपिटल C, कैपिटल C, तीन लक्षण के लिए भले ही स्टडी कर रहे हैं लेकिन हेटरोजाइगस कितने के लिए है? एक के लिए, डबल मोनो हाइब्रिड। तो ऐसे हम मोनो हाइब्रिड को शो करते हैं। क्लियर हो गई बात बच्चे? नेटवर्क जिसका चला जाता है उस बच्चे बहुत क्लियर हो गई क्या? यस सर। डायहाइब्रिड अब आसान हो गया, इसी बारे में बता दिया। डायहाइब्रिड क्या होता है? हेटरोजाइगस टू कैरेक्टर्स, दो लक्षणों के लिए हेटरोजाइगस हो तो डायहाइब्रिड। क्या हो जाएगा एग्जांपल? एग्जांपल हो जाएगा लाइक टी कैपिटल स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल आर, ऐसे ही ए टी बी स्मॉल बी सी स्मॉल सी। कितने लक्षण लिखे हुए हैं, कितने पेयर एलील लिखे हुए वो मत देखो, देखो कितने के लिए हेटरोजाइगस है। ऐसे ही ट्राईहाइब्रिड है होगा हेटेरोजाइगस फोर थ्री कैरेक्टर्स। समझिए क्या एग्जाम्पल हो जाएगा कुछ इस तरीके से। क्या सभी बच्चों को समझ आ गया? अब yes, अब हम डिस्कस करेंगे वो पॉइंट जहां से तुम्हारा कंफ्यूजन आया है। अभी इससे पहले वाले क्वेश्चन में तुम कंफ्यूज क्यों हुए थे उस पॉइंट को अब डिस्कस कर लो। सर नीचे वाले मत में कहिएगा ना। नेक्स्ट पॉइंट मोनो हाइब्रिड क्रॉस। तुमने अपने जीवन में कॉमनली ये टर्म पढ़ा था जिसको तुमने पिछले कंसेप्ट पर अप्लाई कर दिया। मोनो हाइब्रिड क्रॉस तुमने अपने जीवन में पढ़ा होगा जिसका मतलब होता है एक लक्षणों के अध्ययन वंशगति का अध्ययन। स्टडी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ वन कैरेक्टर इज नॉन एज मोनोहाइब्रिड क्रॉस या क्रॉस इन विच वन कैरेक्टर इज स्टडी। ऐसा क्रॉस जिसमें एक लक्षण का अध्ययन करते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? मोनोहाइब्रिड क्रॉस। समझ गए? अब यहाँ पे एक ही लक्षण का अध्ययन करके भाई कोई प्लांट जो है उसके अंदर ऐसा तो है नहीं कि एक ही लक्षण होगा, सौ लक्षण होगा, हजार लाखों, लेकिन हम यदि एक बार में एक ही लक्षण को देख रहे हैं तो ऐसे अध्ययन को ऐसे क्रॉस को क्या बोलेंगे? मोनोहाइब्रिड क्रॉस। आगे बात समझ में? यानी ये वाला जो क्रॉस होगा जिसमें ऐसा कुछ आ रहा होगा वो तो ट्राईहाइब्रिड क्रॉस ही होगा। कैपिटल ऐसा कुछ दिख रहा है। क्रॉस की बात करें तीन लक्षण का अध्ययन कर रहे हैं, क्रॉस तो डायहाइब्रिड ही है लेकिन ये इंडिविजुअल खुद कैसा है? तो उस क्रॉस डायहाइब्रिड, डायहाइब्रिड है खुद, डायहाइब्रिड बन रहा है क्रॉस। ठीक है, तो कितने लक्षणों का अध्ययन कर रहे हैं एक साथ में उसके अकॉर्डिंग नाम रखा गया है क्रॉस का, मोनोहाइब्रिड, डायहाइब्रिड और ट्राईहाइब्रिड क्रॉस। मोनोहाइब्रिड क्रॉस नेक्स्ट इज डायहाइब्रिड क्रॉस।
two characters at a time in a cross, उसी क्रॉस में एक साथ में दो लक्षणों का अध्ययन डायहाइब्रिड क्रॉस कहलाता है। जैसे ही ट्राइहाइब्रिड क्रॉस स्टडी ऑफ थ्री कैरेक्टर्स एट अ टाइम इन अ क्रॉस। क्लियर बच्चे? बच्चे यस यस सर। ओके कुछ और भी टर्मिनोलॉजीज देखते हैं। एक होता है बैक क्रॉस और एक होता है टेस्ट क्रॉस। अच्छा इससे पहले मैं तुम्हें गैमेट बनाना सिखा देता हूं, क्योंकि अब आगे क्रॉस पढ़ेंगे तो सीधे क्रॉस करना स्टार्ट करेंगे, गैमेट बनाना पहले सिखा देता है ना। ठीक है, कंडीशन हमने पढ़ ली तो कैसे हम गैमेट बनाते हैं, गैमेट फॉर्मेशन बाय चलो एक क्वेश्चन ले रहा हूं। ए स्मॉल ए बी स्मॉल बी कैपिटल सी कैपिटल सी भाषण दे कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल इसके गैमेट बना के बताओ सब बच्चे। चलो फिर आपने आंसर जो है वो आंसर जो है वो चैट बॉक्स में डाल दो। इसके कौन कौन से गैमेट बनेंगे, कितने गैमेट बनेंगे? फोर। चलो सब बच्चे अपने अपने गैमेट बना के बताओ। फोर गैमेट, गैमेट बना के बताओ बच्चे अपने असली वाले नहीं। चलो सब सब गैमेट बना के बताओ अपने अपने। चार सही है, चार सही है। कौन से ज्यादातर बच्चों ने गैमेट जो है वो सही बनाए, कुछ बच्चों ने गैमेट कैसे बना लिया, कुछ बच्चों ने ऐसा भी गैमेट बनाया कैपिटल ए कैपिटल ए कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल बी कैपिटल बी स्मॉल, ये गैमेट बना लिए। याद है एक बात सोचो, अब सब बच्चे ध्यान देना, मेथड इंपॉर्टेंट नहीं है, बनाना गैमेट बनाना मुश्किल नहीं है, वो नहीं है, कंसेप्ट समझना इंपॉर्टेंट है कि जिस बच्चे ने गलती की वो बच्चा ये तो सोचे कि आगे तो मैं कर क्या रहा हूं। क्यों? मान लो मेरे अंदर क्रोमोसोम नंबर वन का एक पेयर है, क्रोमोसोम नंबर वन का एक पेयर है, उस पेयर पे यहाँ पर भी ए जीन है, यहाँ पर भी ए जीन है, कैपिटल ए है स्मॉल ए। अब तुम सोचो कि यदि एक गैमेट के अंदर दोनों ही चले गए तो क्या हुआ, पापा के दो ए चले गए वहां, और मम्मी का क्या, मम्मी का तो कोई जीन ही नहीं आया, ऐसा थोड़ी होता है, या मम्मी का भी आ गया दो से चार हो गए, ऐसा नहीं होता। हमारे अंदर जो पेयर्ड जीन है वो क्या होगा, वो सेपरेट होंगे, एक गैमेट के अंदर एक ही जाएगा। आई पास वन में यानी ए ए है तो इन
दोनों में से एक ही ए जाएगा, बी भी है तो उनमें से एक ही बी जाएगा। ऐसा नहीं हो सकता कि दो के दो ए भाग गए, दो के दो बी भाग गए। क्यों? क्योंकि मियोसिस के टाइम पे वो क्रोमोसोमल पेयर जो है वो सेग्रीगेट होते हैं, कैपिटल ए स्मॉल ए अलग हो जाएगा, ऐसे ही कैपिटल बी स्मॉल बी अलग हो जाएगा। और फिर जाने तो दोनों ही है, तो क्या होगा फिर वहां पर पॉसिबिलिटी होगी कि भाई ये दोनों अलग है बिल्कुल, ए कैपिटल ए स्मॉल ए बिल्कुल अलग है, ये दोनों साथ में नहीं जाएंगे, फिर इनके साथ कौन जाएगा? बी जाएगा। अब बी में कोई भी जा सकता है, कैपिटल ए के साथ कैपिटल बी भी जा सकता है, या फिर कैपिटल ए के साथ स्मॉल बी भी जा सकता है, ऐसे ही स्मॉल ए के साथ में कैपिटल बी भी जा सकता है, स्मॉल बी भी जा सकता है। तो सबसे पहली बात कि जब भी गैमेट तुम बनाते हो और तुमको दो गैमेट एक साथ जाते हुए दिख जाए, मतलब दो एलील जो फैक्टर है एक साथ जाते हुए दिख जाए, तो समझ जाना कि गड़बड़ हो गई है, पेयर में से एक ही जाना चाहिए। यानी अब समझना फॉर्मूला मेथड में क्या करते हैं, यानी ये जो कैपिटल ए स्मॉल ए है ये एक पेयर है, एलील पेयर में होता है ना, तो ये अलग होंगे, दोनों एक साथ नहीं जाएंगे, एक गैमेट में कैपिटल ए जाएगा एक गैमेट में स्मॉल ए जाएगा। अब आगे क्या होगा, ऐसे बी भी एक दूसरे से अलग होंगे और उनकी बराबर बराबर प्रोबेबिलिटी होगी कि इसके साथ कैपिटल बी भी जा सकता है स्मॉल बी भी जा सकता है, इसके साथ कैपिटल बी भी जा सकता है स्मॉल बी भी जा सकता है। यानी अब जो ऑप्शन बनेगा, चार गैमेट जो बनेंगे, ज्यादातर बच्चों ने सही बनाया था, वैसे कैपिटल ए कैपिटल बी, कैपिटल ए स्मॉल बी, स्मॉल ए कैपिटल बी, स्मॉल ए स्मॉल बी, ऐसे गैमेट बनते बच्चे। ये है फोर्थ लाइन मेथड, इसे हम बोलते हैं फोर्थ लाइन मेथड। यदि मैं तुम्हें पूछूं कैपिटल ए कैपिटल ए, कैपिटल बी स्मॉल बी, कैपिटल सी स्मॉल सी, चलो स्टार्ट करो, कितने गैमेट बनेंगे, कौन कौन से गैमेट बनेंगे? पहला क्वेश्चन, कितने गैमेट बनेंगे? कितने? फाइव। सर ए बी गैमेट है कि क्या? सर नाइन होगा क्या? चलो देखो कोई बात, वही क्या ये पेयर फैक्टर है ना, गैमिंग करते टाइम एक दूसरे से अलग हो कैपिटल ए कैपिटल ए अलग हो जाते, लेकिन ये अलग हो करके भी अलग नहीं है, अलग तो हो गए लेकिन ये अलग हो करके भी अलग नहीं है, एक ही तो बात है भाई। तो तुम्हारे पास जो तो तुम दो बार लिखने के बदले से एक बार भी लिख सकते हो, बल्कि वही करना चाहना ठीक है, अभी के लिए मैं दो बार लिख दूंगा, ठीक है, कैपिटल ए कैपिटल ए अलग हो। अब कैपिटल बी स्मॉल बी दूसरा जोड़ा है एलएल का, क्या ये भी अलग होंगे? यस सर। अलग हो करके किस तरीके से जाने की प्रॉब्लिटी रहेगी कि कैपिटल ए के साथ ये वाला बी भी जा सकता है या ये वाला भी जा सकता है? बिल्कुल वैसे यहाँ पर भी प्रॉब्लिटी रहेगी। फिर तीसरा जोड़ा पकड़ो कैपिटल सी स्मॉल सी, क्या ये भी अलग होंगे? कैपिटल ए स्मॉल बी कैपिटल सी, यहाँ पर कैपिटल ए स्मॉल बी स्मॉल सी, कैसे लिखना समझ में आ रहा है सबको? यस सर।
किसी को ये तो लग रहा सर याद करके आए हैं? नो सर. है ना तुमको? कैसे बन रहा है? हाँ पता चल रहा है. दिखना चाहिए कि कैसे बन रहा है. ठीक है तो ये बन गए. बिल्कुल यहाँ पर भी वैसे ही कैपिटल है कैपिटल बी कैपिटल सी. ये वाला कैपिटल है कैपिटल बी स्मॉल सी. भरेंगे टोटल. फिर यहाँ पर कैपिटल है स्मॉल बी कैपिटल सी. यहाँ पर कैपिटल है स्मॉल बी स्मॉल सी. अब यदि ध्यान से देखोगे तो लगेगा अरे तो रिपीट हो गया. फोर बनेंगे. रिपीट हो गया बिल्कुल. फोर कैरेक्टर्स आर रिपीटेड सर. फोर बनेंगे बस. क्यों रिपीट हुआ सर? ए ए सेम है. ये सेम. यस सर. इस वजह से क्या हुआ रिपीट हो गया. ये दो जगह लिखने की जरूरत नहीं थी. एक बार लिखते तो भी काम चल जाता. यानी क्या करना अब से कि यदि पेयर फैक्टर में अलग नहीं है सेम ही है तो दो बार लिखने का मतलब एक ही बार लिख देना. फिर ये अलग है तो इन्हें दो बार लिखना. जो अलग है उन्हें ही क्या करो उन्हें ही सिर्फ अलग करके ऐसे लिखो. ठीक है तो फोर डिफरेंट टाइप के गैमेट जो है वो बनेंगे. आई वाज वन में तो जिन भी बच्चों का आंसर फाइव आ रहा था वो महाफलक था. ठीक है और सिंपल मतलब ये तो तरीका होगा फॉर्म लाइन मेथड. और एक बार में तुम्हें नंबर ऑफ गैमेट फाइंड आउट करना है कि कितने डिफरेंट टाइप के गैमेट बनते हैं तो एक सिंपल सा फॉर्मूला है टू रेज़ पावर एन गैमेट. डिफरेंट टाइप के इतने गैमेट बनेंगे. एन क्या है यहाँ पर कि कितने हाइब्रिड वाले कंडीशन में विषम युग्म से देखेंगे सर. एन के लिए भी निकालना होगा. ठीक है क्योंकि डिफरेंट टाइप भी बताना होता है बनेंगे कितने. वो तो भाई एक यदि 1 ml स्पर्म है तो कितने गैमेट होते हैं बताओ. 1 ml स्पर्म जो होता है उसमें कितने गैमेट होते हैं. कितने स्पर्म होते हैं 1 ml सीमेन में. कितने मिलियंस. कितने मिलियंस. हाँ तो अल्टीमेटली तुम्हें पता पड़ रहा है नंबर तो बहुत सारे हो जाएंगे. हमको तो क्या करना होता है डिफरेंट टाइप के गैमेट्स जो है वो निकालने होते हैं कितने बनेंगे. और फॉर्मूला है 2^n. आई बस वन में सही बच्चों को क्लियर है मेरी बात. तो कितने हाइब्रिड कंडीशन में थे. दो हाइब्रिड वाली कंडीशन में थे ये वाला और ये वाला. तो इसीलिए आंसर क्या हो जाएगा 2^2 डायहाइब्रिड है ना. हेलो सर 2^2 फोर आंसर. हां बच्चों सर इसमें एन क्या सर एन की जगह हाइब्रिड कंडीशन को लिखना है ना. यस एन की जगह ये लिखना है कि वो सिंगल हाइब्रिड है डायहाइब्रिड है ट्राई है वही. ओके सर. मतलब ऐसा बच्चे ये मेथड यस सर फिर हम गैमेट बनाएंगे फॉर्म लाइन मेथड का यूज करेंगे. अब ज्यादा मतलब क्या होता है ना इसमें एक्यूरेसी रहेगी. तो बिना फॉर्म लाइन बनाए भी यदि तुम बनाते हो तो छोटे वाले क्वेश्चन तो बन जाएंगे लेकिन यदि कोई ज्यादा बड़ा हाइब्रिड वाला केस आया है तो उसमें दिक्कत आती है. हालांकि नीट में इतना टफ क्वेश्चन तो नहीं आते लेकिन फिर भी ये बेसिक चीज है ये हमें आनी चाहिए. ये रहे बात. अब एक क्वेश्चन जो है वो तुम होमवर्क ले लो गैमेट बना के लाना सब बच्चे. ए स्मॉल ए बी स्मॉल बी सी स्मॉल सी और कैपिटल ए कैपिटल सी. ये एक कंडीशन है. पहले तो ये तो बताई दो कि कितने डिफरेंट टाइप के गैमेट बनेंगे. आठ. कितने डिफरेंट टाइप के गैमेट बनेंगे. 8 2^3 8 बिल्कुल सही है ना. और वो कौन-कौन से गैमेट बनेंगे तो सब बच्चे जो हैं वो नेक्स्ट लेक्चर में अपने-अपने गैमेट जो बना के लाना. मैं देखता हूं कि कितने बच्चे जो है वो सही से गैमेट बना पा रहे. ठीक है. ठीक है ना. यस सर. यस सर. यस सर. ये जो चीजें हैं बच्चों ये बहुत बेसिक चीजें हैं जो मैं स्टार्टिंग में टाइम लेके तुम्हें बता रहा हूं. ये एबीसीडी ये समझ में आ गई ना. आगे चैप्टर तो हमारा बहुत क्विकली जाने वाला है. क्रॉस क्रॉस तो बहुत इजीली आ जाएंगे. ठीक है तो इसीलिए ये वाला पार्ट जो स्ट्रांग होना चाहिए बहुत कंसेप्चुअली. चलो बाय बाय बच्चों मिलते हैं. थैंक यू सर. बाय. ओके सर. थैंक यू सर. थैंक यू सर. बाय बाय. गुड नाइट सर.